अब नजर आ रही स्क्रीन आप लोगों को? सर सर नजर नजर आ आ रही। रही? अच्छा ठीक है। सो टुडे वी स्टार्ट विद द मल्टीपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लास्ट टाइम लेकिन ब्लैक है। हाँ अच्छा अब अच्छा आ आ रही रही है। है, अब अब आ आ रही रही है है। सर। हाँ ठीक है सही। लास्ट टाइम वी कवर्ड हाउ टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट टू डिफरेंट मॉडल्स हैव द सेम एक्यूरेसी, जनरलाइजेशन परफॉर्म बाय एक्यूरेसी मीन द परफॉर्मेंस ऑफ जनरलाइजेशन। ठीक है, टेस्ट डेटा की बात होती है। सो व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल हाइपोथेसिस, इन अदर वर्ड्स मल्टीपल मॉडल्स, उनको आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो जो ऑब्वियस तरीका जहन में आ रहा है कि आप पेयर वाइज कर लेना, बट दैट इज कंबरसम। सो द स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच इज वेल टेस्टेड इज टू फर्स्ट हैव ए जनरल टेस्ट फॉर ऑल ऑफ देम, दैट इज कॉल्ड ओमनीबस टेस्ट। इट इज कॉल्ड, सो देर आर टू स्टेप्स। ओमनीबस टेस्ट का मतलब ये है कि पहले ये तय करें कि वो जो सारे हैं वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो सारे सेम एक्यूरेसी वाले हैं। सो ऑल ऑफ देम हैव इक्वल एक्यूरेसी, टेक दैट एज योर नल हाइपोथेसिस। ठीक है, और पहले उसको करें कि उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप उसको रिजेक्ट करते हैं कि नहीं यार सारे सेम नहीं है, तो फिर वो पेयर वाइज की तरफ आ जाते हैं। इफ द ओमनीबस टेस्ट लेड टू द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस, क्योंकि अगर उसमें आपको उसको आपने रिजेक्ट नहीं किया तो आप टाइम बचा सकते हैं ना, बस खत्म हो गई बात। आप उसमें कोई भी मॉडल आपके लिए, नो मॉडल इज बेटर देन द अदर्स। ठीक है, ओनली इफ यू कैन रिजेक्ट दैट नल हाइपोथेसिस फिर उसके बाद आप पेयर वाइज टेस्टिंग शुरू करेंगे। तो उसको कहते हैं पोस्ट हॉक टेस्ट, पोस्ट हॉक। ठीक है, इस तरह एड हॉक होता है ना, ये पोस्ट हॉक है। तो ये बात समझ आ रही है कि ये डायरेक्टली आप इस पे स्टार्ट करना क्यों गलत है? क्योंकि हो सकता है वो सारे करने के बाद आपने नतीजे पर जाए कि नहीं यार वो तो सेम है, तो ये बहुत आसान होगा ये चेक करना पहले। ठीक है, यस सो अच्छा, सो अब वो ओमनी टेस्ट के मेनली, नाउ दिस इज नॉट फॉर यू क्योंकि एनोवा एक मेथड है, एनालिसिस ऑफ वेरियंस, स्टैटिस्टिशियन बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये सिर्फ ये बता रहा है कि समथिंग लाइक दैट। लेकिन चूंकि हमने एनोवा कभी यूज नहीं किया, सो वी विल इग्नोर दैट कॉमेंट। We just take it as it is. We don't care that it's connected to something else. So there are basically two tests that are popular. One is called this Cochrane. Somebody should check this pronunciation. कि इसको कैसे pronounce करते हैं? Of course, ये Cochrane तो नहीं होगा। हाँ? Sir, recording. हाँ, recording मैंने वो active presenter start किया। On. ठीक है sir. क्या होगा ये? Cochrane? ये आपके ख्याल में कोकरान होगा या कोखरान होगा या कोचरान होगा? मैं गूगल में देख, ये वहाँ ये आप चेक करके बता दें इनको कि ये क्या होगा ना। ठीक है ना, ये डिपेंड्स ऑन दी कंट्री कि किस कंट्री से आ रहा है ना। तो उसको कहते हैं क्यू टेस्ट, क्योंकि द क्वांटिटी ही इज यूजिंग एज अ स्टेटिस्टिक्स व्हिच विल बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग, दैट इज अ क्यू स्कोर और क्यू। क्यू विल बी द सिंबल यूज फॉर दैट क्वांटिटी और दैट स्टेटिस्टिक्स टू बी वेरी एक्यूरेट। इट इज ए जनरलाइजेशन ऑफ द मैकनेमर्स टेस्ट, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। ऑफकोर्स देर आर सम डिफरेंसेज बट वी कैन इग्नोर दैट। ओके, एंड देर इज अनदर मेथड विच वी विल कवर, but irrespective of these methods, one thing is very clear, that omnibus tests which we are now discussing, it will only tell you whether all the models or all the hypotheses are the same, whether same or not, yes or no answer. It will not tell you how they are different. How wala question wo pair wise mein hi possible hoga. Theek hai, यस नो आंसर ही आपको यहां मिलेगा।
यस सर ठीक है, और ये बाकी मेरे ख्याल में इसमें कोई ये नहीं है, इसमें ये मतलब यहाँ पे वो जो इश्यूज हैं वो इसके भी हैं कि दीज आर ऑल अप्रोक्सीमेशंस और इंडिपेंडेंस की अजम्पशन, वो वैलिड हो सकती है नहीं हो सकती, सो आई डिडंट आई डोंट थिंक आई मीन दिस हैज टू बी रिपीटेड एंड देयर आर सम करेक्शंस एज वेल, वो जो आप लगाएंगे कोई कोड उसका मशीन लर्निंग वो जो साइकिट लर्निंग वगैरह में देयर आर सम करेक्शंस एज वेल, या corrections bond Fironi correction and there are some other corrections, so isliye zaruri hai ki when you go from two hypothesis to multiple hypothesis to wahan pe kuch factors aapko correction ke liye lagane padte hain, theek hai, so that is also okay, so we start with that first test. Actually there are two tests, one is this Cochran's Q test, or I will just call it Q test. Yeah, forget about the name. ये आपको बाद में चेक कर सकते हैं. So we just call it Q test, and the other one is F test. So दो टेस्ट हम पढ़ेंगे अभी. So Cochran ही. Cochran. Pronunciation. Cochran. ठीक है. So omnibus जो है ना omnibus tests. We will just consider two omnibus tests. इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ दो available exist करते हैं, but the focus will be on omnibus test, which is the Q test, and the other one is the F test. अच्छा क्यू टेस्ट क्या है, पहली बात तो ये है, फॉरगेट अबाउट दिस एनोवा थिंग, इट इज कॉल्ड क्यू बिकॉज द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज कॉल्ड क्यू, एंड यू रिमेंबर दैट अप्रोक्सीमेटली अंडर द अजम्पशन सिमिलर टू मैक्लॉमर्स टेस्ट, मैक्नेमर्स टेस्ट में आपका जो टेस्ट स्कोर्स था उसको हम क्या कहते थे, उसका क्या था, वो भी क्यू था या क्या था, कुछ और था वो, वो नहीं वो एक्स स्क्वायर कहते थे, नहीं तो बस वो एक्स स्क्वायर था मेरे ख्याल में, एक्स स्क्वायर वो काय था यस सर, एंड दैट वाज एप्रोक्सीमेटली काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड, काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूटेड, और अजम्पशन वहां पे क्या थी कि नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, आवर बी और सी ज्यादा, और उसमें डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बहुत जरूरी है, वहां व्हाट वाज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देयर, और वो वन क्यों था ये भी जरूरी है, वो शायद मैंने बताया नहीं है, वो वन बेसिकली टू माइनस वन है, टू इसलिए है कि आप दो मॉडल्स को कंपेयर कर रहे हैं, सो बेसिकली वो एम माइनस वन होता है, एम इज देना एम इज टू एंड एम माइनस वन, रिमेंबर जब हम स्टूडेंट टेस्ट भी पढ़ रहे थे ना तो आपको याद है वो ये नंबर एम माइनस वन या टू माइनस वन कहाँ से आ रहा है, आपको याद है वो सैंपल वेरियंस जब हम कैलकुलेट करते थे तो यहाँ पे एन माइनस वन करना पड़ता था, वन ओवर एन माइनस वन, तो ये एन माइनस वन कब से आ रहा है, ठीक है, so अब यहाँ पे चूंकि यू विल हैव m मॉडल्स, m इज द नंबर ऑफ मॉडल्स, तो यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होंगे, m माइनस वन, m m माइनस वन, एंड यू हैव द सेम अजम्पशन दैट दे आर अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड एट काय स्क्वायर, सो ये काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही है, सिर्फ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चेंज हो गए फ्रॉम टू टू m माइनस वन, अजम्पशन मोर और लेस वही है, और नल हाइपोथेसिस क्या है, एच जीरो, एच जीरो नॉर्मली नल हाइपोथेसिस, जीरो फॉर नल, नल हाइपोथेसिस इज दैट ऑल द एम मॉडल्स हैव द सेम एक्यूरेसी, एक्यूरेसी एसीसी, थियोरेटिकल एक्यूरेसी आप अज्यूम कर रहे हैं कि सबकी सेम है, एक्चुअल जो एक्यूरेसी है टेस्ट वाली जो एक्चुअल नहीं सॉरी जो एस्टिमेटेड है, एक्चुअल तो बेसिकली यही होती है, जो एस्टिमेट्स है उनको जब आप कैलकुलेशन करते हैं, सो वहां पे जिस तरह हमने काई स्क्वायर स्कोर कैलकुलेट किया था, I think it was something like B minus C over something and so on. So, yahan pe wo aapko, you will have to actually compute a score similar to that. Maine kya kiya? Compute a score similar to that. And ye formula ko samajh le basically. Ye formula mein, ye bahut zaruri hai, ke m to aapko pata ho gaya ki m is the number of models. So, m minus 1 will be the number of degrees of freedom. Ye degrees of freedom ho gaya. This m multiplies something, this m also multiplies something, you sum here from 1 to m, it means that this is a summation over models of something, and this is a summation over n is the number of examples, n is the number of examples, aur ye typing mistake mein kabhi kabhi isko upper case n keh deta hai lekin actually ye small hi hai, theek hai, so this summation is over the number of
एग्जाम दिस सबमिशन इज ओवर एग्जांपल्स व्हिच टेस्ट डेटा के जितने भी एग्जांपल है ना, इसका मतलब कि आपके पास ये टेस्ट डेटा साइज है, क्या है टेस्ट डेटा साइज, उसके जितने एग्जांपल। नाउ अब जी बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जी आई क्या है और एम जे क्या है। सो व्हाट इज जी आई, जी आई जी नीचे डिफाइन, हाँ जी असल में जी आप जी को गुड समझ लें, जी फॉर गुड, तो गुड का मतलब ये है कि आपने ठीक किया है, आपने करेक्टली। सो जी आई इज द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द एन टेस्ट एग्जांपल, टेस्ट जितने भी एग्जांपल हैं उनमें कितनों को आपने करेक्टली क्लासिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो वहां पे मेरे हाल में इसको क्या कहते थे, ए बी सी डी लिखते थे, यहां पे आप उसको जी लिखते हैं, जी आई, ठीक हो गया। सो आई इज फॉर द मॉडल, मॉडल आई, और क्लासिफायर आई, सी आई इज द आईथ क्लासिफायर, ठीक है, सी आई इज द, सो यू विल नॉट यूज एम आई फॉर द आईथ क्लासिफायर, रिमेंबर यू विल यूज सी आई फॉर द आईथ क्लासिफायर, क्योंकि एम का कुछ और मतलब है, इसलिए मैं कह रहा हूं। So, the number of correct prediction, अगर मैं इसको आसान लैंग्वेज में कर दूं, the number of correct predictions by CI in all those test examples, this will be denoted by GI. तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये आप किस, ये क्या आप ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग ओवर ऑल दी क्लासीफायर्स, तो सब के लिए ये जी आई को स्क्वायर करते हैं फिर आप इनको ऐड करते हैं। So you are adding the square of those numbers. इसका मतलब अगर इसने, अगर क्लासिफायर वन ने 20 ठीक कर दिए, कितने 20, तो आप इस 20 को स्क्वायर करके एड अप यहां करेंगे। ये बात समझ आ गई? Yes. अच्छा yes, अब MJ क्या है, MJ is now the number of classifiers, it is not the number of predictions. It is the number of classifiers out of all the possible classifiers, which is M, that correctly classified the jth example. अब यहाँ पे focus example पे आ गया, आपके पास एक particular example है, test data में से आपने example J pick कर लिया, jth data example. वो J किन किन models ने ठीक किया और किन किन ने गलत किया, आप उनको add कर रहे हैं, number of, you are just adding the number of models or the number of classifiers. तो आप let's suppose आपके पास 10 classifier हैं और आप एक particular example के बारे में पता चल गया कि उस 10 में से 6 ने उस example को ठीक classify किया और 4 ने उनको गलत किया, तो MJ will be equal to 6. 6 आ जाएगा और ये उसको square करके आप add करेंगे। अच्छा interestingly ये वैसे typing mistake है, अच्छा इससे मैं colon को हटा दें, ये सम ऑफ दिस है। नाउ व्हाई शुड दिस टू बी इक्वल, इस टी को बाद में आते हैं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं हटा रहा हूं, सो आई एम एडिंग ऑल द जी आईज, स्क्वायर करूं या ना करूं बाद में आता है, लेट्स से उनको एज इट इज मैं ऐड कर रहा हूं, एंड आई एड ऑल दोस फॉर ऑल द एग्जांपल्स, दिस विल ऑल्सो गिव मी द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट प्रेडिक्शंस, ठीक है। देखो ना, हर क्लासिफायर yes, हर क्लासिफायर ने जितने ठीक कर दिए और फिर उन सबको आप ऐड कर रहे हैं, तो इट विल बी टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ एन कितने ठीक हो गए सारे मिला के। और अगर मैं यही समेशन एम जे की कर लेता हूं और उसको मैं उस पे ऐड करता हूं ओवर एम, दिस शुड गिव मी द सेम आंसर। आप काम को ऐसे पकड़े ऐसे पकड़े, ये बात समझ आ रही है सर? फिर वो अलग क्यों यूज किए हैं, अलग नोटेशन, अलग का तो बात है, लेकिन डू यू एग्री विद मी दैट दिस दीस टू आर जस्ट गिविंग यू द सेम सम? यस सर, सेम सम होते करेक्ट आंसर्स के साथ। जो टी है वो यहां पे फार्मूले में जहां जहां टी लिखा हुआ, इसका मतलब ये है टी 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 स्क्वायर, ठीक है। अलग अलग इसलिए है कि उस वहां पे इसका मतलब अलग है, वो एम के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो ना ये। अब ये जो आप अगर यहां पे स्क्वायर करते हैं, इसके साथ आप क्या करते हैं,
स्क्वायर स्क्वायर करते हैं और इसके साथ भी स्क्वायर करते हैं, तो पहली बात तो यह है कि इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी इक्वल? सर इक्वल ही होंगे, सेम नंबर है तो उसका स्क्वायर भी सेम। नहीं नहीं नहीं, ये गड़बड़ कर रहे हैं ना। अच्छा अच्छा, यस है, नहीं इक्वल होंगे, नहीं इक्वल होंगे, ठीक है, क्योंकि वो वन बाय वन आप ऐड कर रहे हैं तो वन बाय वन स्क्वायर्ड होगा तो ये इक्वल नहीं हो सकता। ये जस्ट बाय चांस है कि उनका टोटल नंबर एन है, सॉरी टोटल एन एग्जांपल्स हैं, तो आप उसको ऐसे देख रहे हैं, लेकिन स्क्वायर डिफरेंट होगी। तो इस स्क्वायर का कोई सिंबल नहीं है, वो एज इट इज आ रहा है फॉर्मूले में, और ये स्क्वायर भी एज इट इज आ रहा है, ठीक है। नाउ यू कैन गिव मीनिंग टू दिस। चलो हम ये तो नहीं कह सकते कि ये सेम होंगे, लेकिन इसको जब आप, आपको याद है ना जब हम वेरियंस कैलकुलेट करते हैं या हम करते हैं टोटल, सो दिस यू कैन स्टिल मल्टीप्लाई इट विद m। व्हाट विल दिस मीन नाउ? फॉरगेट अबाउट दिस। इसका आपके ख्याल में क्या मतलब होगा व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस सम बाय m? क्योंकि दिस समेशन, बिकॉज दिस समेशन इज नॉट ओवर मॉडल, दिस इज ओवर एग्जाम्पल्स, ये मुझे समेशंस ये क्वांटिटी हर मॉडल के लिए सेम होगी, होगी या नहीं? क्योंकि आई एम एडिंग ऑल, इट इज समथिंग रिलेटेड टू टोटल, इट इज समथिंग रिलेटेड टू टोटल। सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस विद m, I can get an overall something। ये तो असल में इसका पेपर पढ़ना पड़ेगा कि क्यों ये का स्क्वायर क्यों है ये, this summation multiplied by m। ये आपको अगर वो स्टेटिस्टिक्स वाला बुक आप पढ़ लेना तो उसमें वो प्रूफ, वो डेरिवेशन फॉलो करने के बाद आपको एंड पे आ जाता है कि असल में, फॉर एग्जाम्पल वी कैन आस्क सिमिलर क्वेश्चंस देयर। ये कोई यूनिक बात मैं नहीं कर रहा, उधर भी तो ये था ना कि आप यहाँ पे इसको स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर यू टेकिंग, व्हाई आर यू सबट्रैक्टिंग सी फ्रॉम बी, ये स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये इसलिए सिंपल था कि आपके पास सिर्फ दो मॉडल्स थे, ठीक है, वहां पे बिकॉज यू हैव एन मॉडल्स तो द मैथ विल बी कॉम्प्लिकेटेड एंड यू विल हैव अ स्ट्रेंज फार्मूला। बहरहाल यू शुड नो वेरी इजीली नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस स्कोर, ठीक है, और इसको हम एक एग्जाम्पल से कर भी लेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेट्स सी कि ये कैलकुलेशन, ये फॉर्मूला इतना आसान नहीं है, इसको इस कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए वी विल यूज सम टेबल्स, और वो टेबल हमें जिंदगी आसान कर देगा कि हाउ टू कम अप विद दिस स्कोर। ये आप बाद में पढ़ लें खुद, जो मैं करने जा रहा हूँ बेसिकली वो यही करने जा रहा हूँ, इसने यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया हुआ है। वी विल हैव एन एम बाय एन बाय एम मैट्रिक्स, यहाँ पे वी विल हैव अ मैट्रिक्स और अ टेबल विद एन रोज, remember n is the number of examples, so for each example and then you will have m there, m classifiers, so let's say aapke paas q ki kya value hogi ke hum keh sakte hain hamara null hypothesis nahi wo humne reject ho ya na, humne mcnamer mein kya kiya, mcnamer test mein humne kya kiya tha, humne chi square calculate kiya tha, uski ek value aayi thi और वो वैल्यू हमें पता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एक काई स्क्वायर्ड है, और काई स्क्वायर्ड में हमें पता है क्रिटिकल वैल्यू क्या है, वो पी वैल्यू से हमने कैलकुलेट की थी ना, और वो पी वैल्यू फिर वो 0.05, ये कहानी इसमें भी वही आएगी, फिर सेम ही वैल्यू होगी, नहीं नहीं पी की वैल्यू जो 0.05 है इसका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है ना कि कौन सा टेस्ट है, वी विल स्टिल यूज दैट 0.05 क्योंकि दैट पी हैज नथिंग टू डू विद दैट टेस्ट। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमेशा That represents your confidence, basically. कि आप उसको reject कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इन सारे tests में score सिर्फ different होगा। यहाँ पे chi squared है, यहाँ पे q है, वहाँ पे f test में f होगा। ये change नहीं होगा। 5% probability। हाँ, ये हो सकता है कि chi square की जगह कोई और distribution आ जाए। Distribution change हो सकता है, लेकिन that p और rejection का जो criteria है, वो अगर 0.05 रखा है, तो change नहीं होगा, ठीक है? Okay sir. ओके, लेट्स से कि आपके पास जो एग्जांपल्स हैं उसमें, एग्जांपल में जारी बात है, आपके पास फीचर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और उन फीचर्स को आप प्रेडिक्ट करते हैं, फिर उसके बाद आप क्लासिफिकेशन बाद में करते हैं नहीं करते। सो लेट्स से कि द वेक्टर वाई इज द ट्रू वेक्टर,
ट्रू का मतलब है कि ट्रू वेक्टर है, एंड लेट्स से दैट ट्रू वेक्टर व्हेन इट इज प्रेडिक्टेड बाय क्लासिफायर C1 वी कॉल इट Y, ये बोल्ड इसलिए है कि इट्स अ वेक्टर ऑफ वैल्यूज। C2 ये हो गया, तो यू हैव थ्री मॉडल्स, थ्री प्रेडिक्शंस, ऑल वेक्टर्स एंड देयर इज अ ट्रू वेक्टर। सो लेट्स से कि इनको हम एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके पास क्या क्या वैल्यूज आ रही है। लेट्स से दिस इज ए ट्रू वेक्टर, गेस करें कितने वैल्यूज हैं, रोज कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 रोज, और ये क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो 100 पॉइंट्स हो गए, 100, तो 100 एग्जांपल्स है ना ये, ये एक डेटा सेट है बेसिकली। यस, तो यू हैव n इज इक्वल टू 100, तो टेस्ट डेटा सेट है आपके पास ऑफ साइज 100, ये ट्रू वैल्यू है सुपरवाइज लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में, ये प्रेडिक्शन है C1 की, ये प्रेडिक्शन है C2 की, और ये प्रेडिक्शन है C3 की। अब मुझे एक चीज आप बताएं, लेट्स पिक द फर्स्ट वन, या फर्स्ट लेट्स से ये एक सिंपल प्रॉब्लम है, तो आपके पास यू आर जस्ट क्लासिफिकेशन में आपके पास आपके जो आउटकम है वो ये 1 हो गया, 0 होगा ना, सो 1 कुड रिप्रेजेंट वन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड 0 कुड रिप्रेजेंट अनदर टाइप, कैट और डॉग जिस तरह आप समझ इसको इमेजिन करें। तो अब यहां पे ट्रू में 0 है और क्लासिफायर उसको 1 कह रहा है, तो ये गलत हो गया ना, ये मिस क्लासिफिकेशन, क्लासिफायर 2 ने मिसक्लासिफाई किया है और 3 ने भी मिसक्लासिफाई। तो इसका मतलब ये है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको वो समझ आ जाए, वहां पे हमने एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, एक थी GI और एक था MJ, है ना, एक GI था, yes, MJ, तो GI की जगह मैं यहां पे क्या लिखूंगा, क्लासिफायर 1 ना, G1 G1. तो G1 हम यहाँ पे अभी नहीं कर सकते बेसिकली, क्योंकि वो अभी हमें सारे देखने पड़ेंगे ना, तो M को हम कर सकते हैं, J was the example, या M के नीचे लिखते हो क्या था, example था, तो M1 का क्या मतलब होगा, yes sir, M1 is पहली example, the number of classifier for the first example, the number of classifier, yes sir, which got the first example right is M1. तो अब बताएं M1 की वैल्यू क्या होगी? सर वो नीचे थोड़ा करें ताकि वो सारे देख सके। सारों ने ठीक किया है ना ये? लास्ट सबने गलत किया सर, जीरो। हाँ सॉरी सबने गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया, तो ये जीरो हो गया। यस सर, जीरो हो गई। ठीक है, और आप ये एग्जांपल ले लें, ये वाली मेरे ख्याल में ये सबने ठीक किया है, बाकी भी है लेकिन वो जल्दी नजर आ गया ना मुझे। अब अगर आप ये गिन लें, अगर आपने जीज भी कैलकुलेट करना है कि जी क्या है, फॉर एग्जाम्पल G1 क्या है, G1 को भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, G1 क्या है, G1 will be a question about classifier 100-16 classifier 1, नहीं, G1 is a question about classifier 1, तो classifier 1 में yes. कितने ठीक किए, गिन लें, सारे 0 है, 100-16, हाँ ये 16 है ना, तो ये 80, 16 गलत है, तो 100-16 हो गया, तो 84, अब आपको समझ आ रही है, yes, क्योंकि this is the point which you need to understand, if you want to start coding के लिए इस level की understanding चाहिए, वो formula देखने से पता नहीं होता, ठीक है, और इस once you understand G, I and MJ, तो उसके बाद वो summation और T और वो चीज़ आप खुद कर सकते हैं, that's easy. So let's summarize all this information in this table. अब इस table को हमने समझना है, ठीक है, तो पहले मुझे ये बताएं कि इस टेबल में कितने रोज हैं,
एक दो चार पांच आठ आठ क्यों why 8 why not 10 why not 4 why not 6 इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है बाकी प्रॉब्लम्स से. Just because you have three classifiers, you must have three rows, eight rows. एक मिनट, एक रोस. सोचिए सोचिए बाकी बाकी भी सोचिए. सर टू की पावर ले लिया. नहीं क्लासिफायर या ठीक करेगा या गलत करेगा ना, तो ट्रूथ टेबल बनेगा ना, थ्री वेरिएबल का ट्रूथ टेबल. आप लोगों को आदत है 0-0 से स्टार्ट करने की, इसमें 0-0 एंड पे लिखा हुआ है ना. यस ये ट्रूथ टेबल है. और अकरेंसेस लास्ट कारम में है. अकरेंसेस एग्जाम्पल से आपने वो 100 एग्जाम्पल देख के बताया है कि ये जो 80 उनमें से ऐसे हैं, 80 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि सब ने ठीक कर दिए तीनों ने. Yes. अब इसका मतलब ये है कि उन 80s के लिए, उन सब के लिए, उन सब के लिए जो कि इस टेबल में नजर तो नहीं आ रहे, उन सब के लिए जो m की वैल्यू है, एम जे, जे विल बी any points in those 80 examples. MJ for all those will be 80. नहीं थ्री थ्री हो गया ना, उन सब के लिए, हर एक के लिए. yes, हर एक के लिए. अब आपको समझ आई कि इन सबको एड करना क्यों जरूरी? yes. क्योंकि थ्री तो सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात हो रही है ना, तो आप सब पूरे इंफॉर्मेशन को गैदर भी तो करना है ना. तो अब आपको समझ आ रही है कि उस फॉर्मूले में ये क्यों था. ये मैं जस्टिफाई कर रहा हूं कि वाई आर यू एडिंग. अब आपको इसकी समझ आ गई कि वाई आर यू डूइंग दिस. दिस यू मस्ट एड द स्क्वायर ऑफ ऑल दोज नंबर्स. अब ये स्क्वायर क्यों है, इसका तो परफॉर्म डेरिवेशन से ताल्लुक है, जाहिर बात है इसका स्क्वायर भी तो बनना है ना. तो मैं भी, क्योंकि हम बेसिकली वेरिएशन आपको ये, इसका मैं एक क्वालिटेटिव आंसर अगर देना चाहूँ ना, विदाउट इवन गोइंग टू द मैथ एंड विदाउट इवन रीडिंग दोज पेपर्स, आपको पता है बेसिकली आप वेरिएशन में वेरिएंस देखते हैं. ठीक है, वेरिएंस में आप क्या करते हैं, यू टेक स्क्वायर्स एंड देन यू एड देम. यस. और ये आपको याद होगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है. इसको जब आप ब्रेक डाउन करते हैं, यू कैन थिंक ऑफ इट एज द एक्सपेक्टेशन ऑफ स्क्वेयर्स. तो पहले आप इसका मीन कैलकुलेट कर दें और फिर जो मीन्स का है उसका फिर सम कर लें, उनका स्क्वायर कर लें. एक्सपेक्टेशन ऑफ द स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ द एक्सपेक्टेशन. आपको पता है वेरियंस का एक फॉर्मूला ये भी था. तो ये स्क्वायर्स उधर से ही आ रही है. ठीक है, ये वो वेरियंस बेसिकली आपको याद है. अब मैं वो डिस्कस करना नहीं चाहता, लेकिन इसने शुरू में ये एनोवा का जिक्र इसीलिए किया है. Analysis of variance. Analysis of. तो ये वो variance के चक्कर में आपको squares नजर आ रहे हैं सारे. ठीक है, that still is not a complete answer, but you get my point. और यहाँ पे हमारा मकसद इस सारी मैथ को समझना नहीं है, आपको समझा देना चाहिए. You just need to get a feel for all this, these tests. क्योंकि आपको पता है ये scikit learning में ये it will be just one command to perform this test. तो आपको कमांड के ऑप्शंस समझने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा है. यू नीड टू नो द मीनिंग के उसमें क्या क्या, एम क्या है, सी क्या है, क्योंकि दे विल यूज सेम टर्मिनोलॉजी. अच्छा, अब आप आ जाएं इसकी तरफ. इसकी तरफ, ये जो टू है कि देर वर ओनली टू अकरेंसेस विच वर मिसक्लासिफाइड बाय द थर्ड मॉडल and correctly classified by the other two. तो उसके लिए M2 होगा and so on. अच्छा, अब मुझे बताए इसका क्या मतलब है. ये लो अगली लाइन है. इससे थोड़ा सा मुझे परेशान किया था for a while, लेकिन you have to be very careful to understand this. So this line and this line, I'm just, what does this mean? So third line ही क्या है ये? फर्स्ट क्लासिफाई
और थर्ड क्लासिफायर ने ठीक किया है और सेकंड क्लासिफायर ने गलत किया है, ऐसे कोई एग्जांपल है ही नहीं। ये असल बात है ना, क्योंकि अगर आप ये जीरो को मिस करते हैं तो ये सारी डिस्कशन फजूल हो जाती है। ये सिनेरियो ऐसा एग्जांपल है ही नहीं जिसको सी वन और सी थ्री ने ठीक कर दिया और सी टू ने गलत कर दिया। Yes. एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं था। ये जो ट्रुथ टेबल वाली एंट्री है ये पॉसिबल नहीं है, पर पॉसिबल है लेकिन इस डेटा सेट में ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, सो नाउ कैन यू मेक सेंस ऑफ दिस कि ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सो ये एक्यूरेसी है वो बाय मॉडल, बाय मॉडल कितने सी वन ने ठीक किए, कितने सी टू ने ठीक किए, कितने सी थ्री कर रहे ना उसको 84/100। इसने एक चीज गलत कर दी है, एक मिनट, यहां पे एक गड़बड़ है, मुझे बताएं एक वो गड़बड़ क्या है। ये परसेंट यहां पे गड़बड़ कर रहा है, इसकी जरूरत नहीं है परसेंटेज। यस सर, इसकी जरूरत नहीं है। परसेंटेज हम कब लिखते हैं? ठीक है, मैं अगर इस टेबल के अलावा लेट से इस टेबल को इग्नोर कर दें, मैं वैसे आपको 84% लिख दूं, आप इसको कैसे रीड करेंगे? व्हाट विल दिस मीन? सर मतलब टोटल गसाइज हमारा 100 में से 84, इसका मतलब ये रेशो होता है। परसेंट का हमेशा मतलब 1/100 होता है। यस सर, तो अगर मैं ये परसेंटेज लिख दूं तो आई कुड एक्चुअली मिसरीड दैट, दिस इज नॉट व्हाट इज मेंट हियर। व्हाट इज मेंट इज दिस, जस्ट दिस नंबर 84 ओनली। फॉर्मूले में सिर्फ ये जाएगा, फॉर्मूले में अगर आपने परसेंटेज वाली कहानी डाल दी तो आप गड़बड़ करेंगे। ठीक है ना, वो जो स्कोर है वो फार्मूले में जाते हैं, फार्मूला समझना बहुत जरूरी है। फार्मूले में जो वेरिएबल्स हैं वो जी आई है, M है, ठीक है ना, T है, they are all numbers, they are not percentages, ठीक है? चूंकि yes. ये इसने गलती पता है क्यों की है? क्योंकि examples 100 है ना, examples yes. 100 है तो ये lucky scenario है कि वो नजर नहीं आ रहा problem, लेकिन जब examples 100 नहीं होंगे फिर आपको समझ आ जाएगी मेरी बात की क्यों गलत किया इसने। So these are pure numbers. हाँ, ये वैसी आप समझने के लिए कर सकते हैं कि परसेंटेज वाइज इन आपस में रेशो क्या है। सो इसका 92 है, इसका 92 है, एंड सो ऑन। तो अब आप आ जाएं कि वी नीड टू नाउ अंडरस्टैंड कि दिस क्यू की कैलकुलेशन कैसे आ रही है। ये टू आपके ख्याल में क्यों है, जल्दी बताएं। ये वो m माइनस वन है ना, m माइनस वन, सो 3 माइनस वन, 3 मॉडल्स हैं, 3 माइनस वन। अच्छा, और ये 3 m है, ये 3 भी m है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे टोटल था, t था ना, t क्या है, t आप इधर से कैलकुलेट कर ले, t विल बी इक्वल टू 84 प्लस 92 प्लस 92, दैट विल गिव यू 268। तो ये 268 इधर भी आ गया और वही 268 इधर इसका स्क्वायर आ रहा है, और यहां पे आप उन सबको स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स हैं इन सब का क्या है, यहां पे स्क्वायर करके आप उनको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये वो जी है, वो जी है, जी तो ये आपके पास ये जी वन है, वैसे जी वन, तो जी वन वॉज अ नंबर, इट वॉज नॉट अ परसेंटेज। और अब ये थोड़ा सा समझना आपके लिए मुश्किल होगा कि why do we multiply 80 by 9? इसको कोई समझा सकता है मुझे? एक मिनट, 80 वो एग्जांपल है कि मैं लिख देता हूं कि मैं यहां पर मैंने लिखा भी था, इन सब में से 80 में से हर एक में से अगर हर एक के लिए आप एम जे कैलकुलेट करते हैं, जे की जो भी वैल्यू हो उनमें, वो क्या है,
थ्री है ना, थ्री तो वहां पर फॉर्मूले में इसका स्क्वायर है। स्क्वायर था, मैं सोचा थ्री नहीं होना चाहिए। और फिर आप उनको ऐड कर रहे हैं ना, एडिंग ओवर ऑल द एग्जांपल, तो कितने एग्जांपल्स हैं, एट एग्जांपल्स है ना उस तरह की। यस सर, जहां पे नहीं है वहां पे ऐड नहीं करेंगे ना, तो सिर्फ वो करेंगे जहां पे है। तो आप 80 से मल्टीप्लाई करके, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन यहां पे वो एडिशन है, सम ओवर एन। यस सर, अब मुझे अगला बता दीजिए, 11 को 4 से क्यों मल्टीप्लाई किया। सर 4 का 2 का स्केयर ले रहे हैं ना, क्योंकि 11 एग्जांपल है जिसमें 2 सही है, mj equals 2 है। बिल्कुल, तो लेकिन ये 11 कहां से, 11 कहां से आ गया ना, 4 तो आ गया 2 से ना। सर ये सारे वो वाले एग्जांपल्स को ऐड कर लें जिसमें 2 करेक्ट है। देखो ना, इसमें 2 है तो वहां पे 2 हो गया, बाकी 2 हो गया, ये तो 0 है। अब ये 5th वाले में 2 है, फिफ्थ वाले में 9 plus 2 is 11. 9 आ गए। 9 plus 2. 9 plus 2. Yes, 9 plus 2, 11. दोनों में 2 है ना। इसमें भी m की वैल्यू, mj की वैल्यू इसमें भी 2 है, और mj की वैल्यू इसमें भी 2 है। तो mj squared पे जब आप ऐड करेंगे, so you will have only 11 such cases. और जो 1 है, वो कितने हैं? वो भी गिन लेते हैं। So, वो एक ये है, सेकंड लॉस है, बिकॉज़ यू हैव जस्ट वन, या यस एक सेकंड लॉस है, सेकंड लास्ट है, तो 3 हो गया, तो और एक वो और ये भी है ना, फोर्थ है। हाँ ये यस सर, तो 2 + 1 + 3 = 6, और ये 1² = 1। तो आई थिंक दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, आपको ये समझ आ गया, क्योंकि ये इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको कोडिंग में चाहिए होती है ना, इफ यू वॉन्ट टू कोड इट योर सेल्फ। बस ये सर थोड़ा कंफ्यूजिंग था कि एम जे स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि क्या होता है, आप दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर स्क्वायर करेंगे, बल्कि आप सिर्फ और सिर्फ एम जे का स्क्वायर लेंगे और एग्जाम्पल्स को बस 80 से। वहां पे समेशन ओवर एग्जाम्पल है ना, summation over example. देखो ना, यहाँ पे एक बात बहुत जरूरी है कि यहाँ पे when you are adding mj squared, so mj squared का मतलब ये है, इसको आप ऐसे समझे ना, इसको अगर मैं इसको उधर उसी पेज पे लिख दूँ या इसको हटा दूँ, basically अब आपको समझ आ जाएगी कि फॉर्मूले में और उसमें थोड़ा सा फर्क क्यों है। सो इफ आई वॉन्ट टू लेट्स से राइट दिस थिंग सिग्मा 1 to n mj squared, सो लेट्स लेबल द एग्जाम्पल फ्रॉम 1 to n ना, that would be m1 squared plus m2 squared up to mn squared. mn. अच्छा, अब यहाँ पे जिन एग्जाम्पल, लेट्स से वो 80 वाला केस था ना, ठीक है, अब देखो ना, अब m yes. इनकी 80 एग्जाम्पल में यहाँ पे जो m square की वैल्यू है वो सेम होगी, तो वो आपस में ग्रुपिंग करेंगे अपना, इन 100 टर्म्स में से 80 टर्म्स आप ग्रुप करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं ना, वो 3 इधर भी आ रहा है, फिर इधर 2 आ रहा है, फिर इधर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, देखो ये 2 को छोड़ के आप इस 3 को उठाएंगे, इस 3 को उठाएंगे, इस 3 को उठाएंगे, फिर इस 3 को आप मल्टीप्लाई yes, ये बल्कि स्क्वायर्ड को नहीं, 3² 3² 3² तो ये 80 से मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये बेसिकली अलजेब्रा में भी आप यही करते हैं ना, अलजेब्रा में आप जब सिंपलीफाई करते हैं तो लाइक टर्म्स को आप ऐड करते हैं, ये वो चीज है। यस अनफॉर्चुनेटली इस फॉर्मूले से आपको क्लियर नहीं होता जब आप यहाँ देखते हैं, और इसकी फॉर्मूला तो बड़ा टीडियस लगता है कि आपको एक एक वैल्यू क्या होता है बहुत दफा ऐड करनी पड़ेगी 100 दफा। अगर आपने छेड़ दिया तो अब मैं एक और चीज समझाता हूँ कि प्रोबेबिलिटी में हम एक काम करते हैं जिससे ये मसला हल हो जाता है, इसने अनफॉर्चुनेटली वो नहीं किया, ये चाहता तो ये उस चीज को यूज कर सकता था। आपको याद है हम एक्सपेक्टेशन कैसे डिफाइन करते हैं, EX सो प्रोबेबिलिटी इनटू क्या होता है, नंबर ऑफ अकरेंसेस, अकरेंसेस, और हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं प्रोबेबिलिटी से, ठीक है ना, P of X, yes, और ये हम ये भी कहते हैं कि एवरेज है, ये एवरेज है, लेकिन एवरेज का तो फॉर्मूला ये होता है,
ठीक है, इसमें तो कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। तो अगर आप सिर्फ ये वन ओवर एन को प्रोबेबिलिटी कहेंगे तो ये इधर आके पी ए हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इस तरह नहीं होता, जब आप एक्चुअल डेटा में देखते हैं तो ये तो सारे पॉसिबल है लेकिन उनमें ग्रुपिंग हो जाती है। सैंपल स्पेस की जो वैल्यूज है ना डेटा में, आपके पास बेशक 100 या 1000 हो, लेट से देर आर ओनली थ्री पॉसिबल वैल्यूज एक्स वन, मैं पता नहीं क्यों गड़बड़ कर रहा हूँ, लेट से देर आर ओनली थ्री पॉसिबल वैल्यूज एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। अब आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स आ गए, एन इज इक्वल टू 100, तो अन 100 में यही तीन रिपीट होंगे ना। तो लेट से ये एक्स वन जो है ना इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, आप उनको ग्रुप करके उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वो चीज हो रही है इधर। सो दिस फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेशन डज ऑल दैट ग्रुपिंग, जो कि यहां पे नहीं हो रही है। अगर ये चाहता तो इसको उस फॉर्म में लिख सकता था कि लेट से एम जे की पॉसिबल वैल्यूज जो है ना, एम जे आई इज द डिफरेंट वैल्यू, और फिर उनको मल्टीप्लाई करें बाई द फ्रीक्वेंसीज, ठीक है ना। तो एम जे आई स्क्वायर, क्योंकि आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ही आपकी प्रोबेबिलिटी है, ये बेसिकली वही चीज है, यहाँ पे इसको करना चाहिए था, लेकिन एनीवे ये टेबल से आपको समझ आ जाएगा। नाउ दैट यू हैव योर क्यू वैल्यू, जो कि मैकनेमर टेस्ट में एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी, काई स्क्वायर सॉरी, नाउ यू कैन यूज दिस स्कोर फॉर योर पी वैल्यू। तो मैंने जिस तरह वहां पे दो अप्रोचेस बताए थे, एक अप्रोच ये है कि आप डायरेक्टली इसकी पी वैल्यू कैलकुलेट करो, जिस तरह मैंने वो एनाकोंडा में किया था। तो इसकी पी वैल्यू क्या आ रही है, 0.023 इसकी जो पी वैल्यू आ रही है। और दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि आप ये पी वैल्यू चेक करना ना पड़ो, इफ यू हैव एक्सेस टू दैट टेबल, उस टेबल में आप सिर्फ एम माइनस वन इज इक्वल टू के लिए अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू तो आपके पास है ही 0.05 ना, ये तो सेम रहेगा। अल्फा की 0.05 के लिए आप उधर सिर्फ थ्रेशोल्ड देखो कि वो थ्रेशोल्ड क्या है, इसको हम चेक कर लेते हैं अभी। यस सर, हां उसको चेक कर लेते हैं, यहां पे जो किसने दिया नहीं है, फिर जस्ट कंफर्मेशन कि रिमेंबर कीप द नंबर्स, या कि स्कोर क्या है हमारे पास, 7.53 होगा। यस बल्कि नहीं, बल्कि 7.5, हां बिल्कुल 7.53 है स्कोर है, और वहां पे हमें टेबल से क्रिटिकल स्कोर मिलना चाहिए, और क्रिटिकल स्कोर के लिए अल्फा की वैल्यू 0.05 होगी, और वहां जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जिसको वी लिखता है, वी इज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, वो उधर 2 होगा। तो उसमें हम वो देख लेते हैं अभी, ताकि हमें पी वैल्यू की कैलकुलेशन ना करनी पड़े ना। पी स्टैटिस्टिक्स टेबल्स और काई स्क्वायर्ड है ना, काई स्क्वायर्ड इस पहले पेज में नहीं था, हमें अगले पेज में देना पड़ा। सो व्हाट इज द वैल्यू हेयर फॉर v इज इक्वल टू, सेकंड रो में आप देखें, कर सकता 5.991। अब इसको हम बंद करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो अगर डायग्राम में आप देखें, उसमें डायग्राम में क्या था कि इट विल बी समथिंग लाइक दैट, अल्फा इज, दिस इज अल्फा वैल्यू ग्रेटर है तो हम 5.991 क्या नहीं सकते, हाँ ये उससे आगे है ना। यस सर, तो हम रिजेक्ट करेंगे इसको ना, एक्यूरेटली नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे ना, क्योंकि उस क्रिटिकल से भी आगे है, इसका की प्रोबेबिलिटी, ये चांस बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत ज्यादा आई है, इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी, हाँ, और ये इसने एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बता दी कि 0.023 इज लेस देन 0.05। तो आप इसको ऐसे कैलकुलेट करें, उसका फायदा ये है कि उसमें पी वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। सो अब यहां से वन गुड न्यूज यहां से ये मिलता है कि आगे हम जो भी टेस्ट पढ़ेंगे, हर टेस्ट में एंड पे आके यही पी वैल्यू और यही अल्फा की वैल्यू, ये प्रोसीजर चेंज नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि आगे जो इसके बाद जो अगला टेस्ट आ रहा है उसमें काई स्क्वायर नहीं होगा, उसमें एफ टेस्ट होगा, और वो एफ टेस्ट मैं भी पहली दफा देखूंगा, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सो वी विल सी कि एफ टेस्ट का टेबल कहाँ से देखते हैं और सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं। सो
So if you and when you reject this hypothesis, तो यहां से कम से कम आपने इंश्योर किया कि ये इक्वल तो सारे नहीं है. अब आप आ जाए वो पेयर वाइज टेस्ट की तरफ ना. वो जो पेयर वाइज टेस्ट है, yes. अब वो टीडियस जॉब है क्योंकि उसमें ज्यादा कंप्यूटेशन इन्वॉल्व है. उसमें मैकनेमर टेस्ट भी आप कर सकते हैं, और चूंकि ये ज्यादा है तो उसमें बॉन फिरोनी करेक्शन, ये नाम आप जहन में रख ले क्योंकि हो सकता है साइकिट लर्निंग में या किसी भी पाइथन लाइब्रेरी में जब आप टेस्ट करेंगे, ये क्यू टेस्ट आप करेंगे. बल्कि नहीं, क्यू टेस्ट तो हो गया ना, क्यू टेस्ट तो ओमनी बस हो गया ना. ये जो इसके बाद आप मैकनेमर टेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैकनेमर टेस्ट जब आप सिर्फ दो के लिए करेंगे तो कोई करेक्शन नहीं चाहिए. करेक्शन तो उसमें भी था लास्ट टाइम मेरे ख्याल में, देयर वाज वन करेक्शन. लेकिन इफ यू वांट टू अप्लाई इट फॉर मल्टीपल हाइपोथेसिस तो ये बॉन फिरोनी करेक्शन आपको करना पड़ेगा. ये आप मेरे ख्याल में देख लें, अगली दफा आप मुझे बता दें कि ये बॉन फिरोनी करेक्शन है क्या, ये पेपर उसने दिया होगा. ठीक है, और दिस यू कैन इग्नोर दिस एज वेल, दिस इज जस्ट अ कमेंट फॉर रिसर्चर्स. ये नो फ्री लंच बेसिकली मैंने फेसबुक पे भी एक दफा किया था, नो फ्री लंच थ्योरम. बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि आप जितना मर्जी टेस्ट कर लें, यू विल हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस कि गाउसियन है नहीं है, बाइनोमियल है नहीं है. तो आप जब तक अजम्पशन नहीं करेंगे, आप ज्यादा टेस्ट, आपको मल्टीपल हाइपोथेसिस में बहुत ज्यादा सिनेरियोज आपको देखने पड़ेंगे. तो अगर आपने उससे बचना है तो यू हैव टू मेक सर्टेन अजम्पशंस. मैं ये मैंने पहले बताया था नो फ्री लंच थ्योरम का क्या मतलब है. उसने ये बताया था कि अगर आपके पास डेटा है ना, डेटा गिवन है, और उस डेटा पे आप कोई भी अजम्पशन नहीं करना चाहते, आप कह रहे कि यार व्हाई शुड आई अज्यूम, डेटा इज जस्ट डेटा, सो आई शुड नॉट मेक एनी अजम्पशन. ये गाउसियन और ये जो है ना बाइनोमियल या काई स्क्वायर्ड, ये जितने भी अजम्पशंस है, ये सारे अजम्पशंस है ना, इंडिपेंडेंट. अगर आप सारे अजम्पशन हटा दें तो कहता है फिर आपके पास जितने भी मॉडल्स आएंगे ना, कंपीटिंग मॉडल्स, उनमें उनकी एक्यूरेसी जितनी भी हो, लेट्स से ये मॉडल 100% एक्यूरेट है उस डेटा पे, रिमेंबर आप पर्टिकुलर डेटा की बात कर रहे हैं, और मॉडल टू जो है ना वो 20% एक्यूरेट है. आप कह रहे हैं कि आप विदाउट अजम्पशन आप इस 20% को ये नहीं कह सकते कि उससे खराब है, ये आप सिर्फ अजम्पशन की बात कर सकते हैं. हो सकता है ये 20% वाला मॉडल वो 100% वाले से बेहतर हो, क्योंकि आपको तो नहीं पता एक्चुअल डेटा क्या है. सो नो फ्री लंच थ्योरम का मतलब ये है कि इफ यू डू नॉट मेक एनी अजम्पशन अबाउट योर डेटा, नो मॉडल इज बेटर देन एनी अदर मॉडल, ऑल द मॉडल्स आर एक्चुअली ऑन द सेम फुटिंग. फिर कोई फायदा ही नहीं करने का फायदा है, ये पॉइंट है ना, अजम्पशन करने का फायदा है. अजम्पशन के बगैर आप वही कह रहे हैं कि अजम्पशन के बगैर आप किसी भी मॉडल को उसकी एक्यूरेसी की बुनियाद पे रूल आउट नहीं कर सकते. अजम्पशन करने के बगैर एक्यूरेसी फाइंड करने का भी फायदा ही नहीं, फायदा कोई नहीं कि आपसे कुछ फाइंड फाइंड नहीं. आप फिटिंग करते हैं, वैलिडेशन करते हैं अक्रॉस उस सारी चीजों का फायदा नहीं है क्योंकि दे आर ऑल अंडर सर्टेन अजम्पशंस. So, ये free, no free lunch theorem का मतलब ये है कि if you do not want to make any assumption, then you just forget about comparing models. क्योंकि फिर कोई भी किसी की बात भी ठीक हो सकती है. वो मेरे ख्याल में उसका ये भी था कि all models are wrong, some are more useful than others. इसका मेरे ख्याल में ये था. Yes, ये quote था. हाँ, ये quote था. तो ये basically ये no free lunch theorem में ये quote आया. ओके, द नेक्स्ट टेस्ट इज एफ टेस्ट. ये किसने किया था? ये मेरे ख्याल में एफ टेस्ट का भी कोई साहब हैं, वो शायद वो है पियर्सन है शायद, आई डोंट नो कि पियर्सन है या नहीं. सो ये लूनी साहब ने जो है ना ये रिकमेंड किया हुआ है. ये जो क्यू टेस्ट है, हाँ, ये लूनी साहब ने एफ टेस्ट को मेरे ख्याल में वो किया हुआ है. कोकरान ने भी अपने पेपर में लिखा हुआ है कि जो क्यू टेस्ट है ये क्लासिफिकेशन के लिए है, अगर आप रिग्रेशन वगैरह के में हैं तो प्रॉब्लम में आते हैं तो वहाँ पे एफ टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसने इवन ये भी लिखा है कि क्लासिफिकेशन के लिए एफ टेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर एफ टेस्ट
and there is some correction for F test, and that will be called F plus test. लेकिन वो बाद में कर सकते हैं. So F test with the correction will be F plus test. So the starting point is your null hypothesis, and here you have proportions. P are proportions, which will be taken as probabilities. And let's say you have L hypothesis. इसने L क्यों लिखा हुआ है? और यहाँ पे इसने M लिखा हुआ है. ये मेरे ख्याल में कहाँ पे L लिखा हुआ? ये PL है ना ये. अच्छा हाँ यस सर. मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है. ये भी M है शायद. ये डेफिनेटली M होगा क्योंकि L मुझे नजर नहीं आ रहा था. ये L इसने शायद लूनी के चक्कर में लिखा होगा. Nobody knows. So null hypothesis will claim that all the probabilities are equal. And let's use the same terminology, C1 up to CM classifiers. So if the classifiers do not perform differently, then F test is do not perform differently, which means that your assumption that the null hypothesis assumption is correct. ठीक है? Under the assumption that the null hypothesis is true. आपको याद है ये assumption Q test में भी था और ये assumption McNamara test में भी था. Under that, yes, this F statistic, Q की जगह इसको ये F statistic कहता है. और जिस तरह काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्यू टेस्ट वॉज ऑल्सो काई स्क्वायर, सो दिस एफ स्टेटिस्टिक विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एफ डिस्ट्रीब्यूशन. एंड डोंट गेट कन्फ्यूज, एफ नाम डिस्ट्रीब्यूशन का भी है, वही एफ नाम इस स्कोर का भी है, लेकिन ये स्कोर स्टेटिस्टिक है, ये अप्रॉक्सीमेटली एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है. जिस तरह ये एक्स स्क्वायर जरूरी नहीं है कि एक्चुअली काई स्क्वायर हो भी. So the calculation of F statistics, ये जरा ज़्यादा complicated है. लूनी के पेपर में आप पढ़ सकते हैं. So there are many quantities. Instead of giving the formula in one go, we will go through all the formula. So यहाँ पे भी उसी तरह है कि you add over all examples and then you multiply by examples, all mj squared. और mj squared क्या है? वही है, number of classifiers और m. ये उसी तरह है. और इसको आप कहते हैं SSA, sum of squared accuracies. ठीक है. And remember, the first summation is over examples. Summation is over examples. Now the next summation is also over examples, but this is a different. See, kind of n mein kya difference hai? Achha, wo n examples. Ah, aur ye kabhi upper case lagta hai, kabhi lower case lagta hai, lekin ye hai ki. Yes, sir. M is the number of classifiers. To mere khayal mein ye change nahi. Yes, sir. Aur ye ek aur type ka sum hai, jo ki देखो ना उससे थोड़ा सा डिफरेंट है. अच्छा, इसमें मैं एक और चीज बता दूं. हमने एक चैप्टर में किया हुआ था कि जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते थे ना, सिंपल वेरिएंस. ठीक है, तो मेरे ख्याल में एक दफा हम क्यू लिखते थे और वो उसको जब आप सिर्फ सम करते थे और सम को आप एवरेज करते हैं तो उसको आप एवरेज वेरियंस कह सकते हैं, एवरेज नहीं करेंगे तो आप उसको नहीं कह सकते हैं, सो ऑन. यस सर. So you take that sum of squares again, and this time you take the isko average nahi kar sakenge over n hai na, you just divide it this by m, and this again will have something to do with the paper. And then you take the average accuracy. Average accuracy bahut zaruri hai, ki average accuracy is calculated as a sum of the actual accuracies model wise, har classifier ki accuracy, yeah? और उन सबको आप ऐड करते हैं. Yes. And that is your average accuracy, and then you multiply this by n and this by m and so on. मुझे लगता है कि इसमें इसने गड़बड़ की है. This must be divided by m. Yes, ये डिवाइड नहीं होगा. एवरेज है ना ये. एवरेज. Yes, sir. तभी तो उधर मल्टीप्लाई कर रहा है ना फिर. ठीक है ना. Yes, sir. तो इसको मेरे हाल में किसी पेपर से कंफर्म करना पड़ेगा कि टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें. इसमें तो नहीं हो सकता, मुझे इसमें शक है कि कहीं ये गलत तो नहीं है. मुझे इस वन ओवर एम में गड़बड़ लग रही है. क्योंकि देखो ना, इसमें क्या पता ये ब्रैकेट में हो, सबसे मल्टीप्लाई हो.
नहीं सबसे वो भी तो गड़बड़ है ना, फिर भी गड़बड़ है, देखो ना अब ये समझ आ रही है कि इट इज अ सम ऑफ स्क्वायर्स, इट इज ऑल्सो अ सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स जो आप उस पर डिवाइड करते हैं सो इट बिकम्स एवरेज, ये साइड एवरेज है और ये एवरेज नहीं है, इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो एक एवरेज है दूसरा नहीं है, तो इसमें मुझे कुछ शक है, हाउ कैन यू एड समथिंग व्हिच इज वन ऑफ देम इज एन एवरेज एंड द अदर इज नॉट एन एवरेज, तो ये कैसे पता चलेगा इसको, ये वन ओवर एम का मुझे मुझे गड़बड़ लग रही है सब। खैर मैं क्लेम इसलिए नहीं कर सकता कि मैं जब तक पेपर नहीं पढ़ूंगा तो ये कुछ कह नहीं सकते, और इसने कोई अनफॉर्चुनेटली एग्जाम्पल भी नहीं दिया हुआ था, उस क्यू टेस्ट में तो एग्जाम्पल था तो हम उसमें टेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे एग्जाम्पल कोई नहीं है। एंड आफ्टर दैट यू हैव अनदर सम, बेसिकली यू हैव थ्री सम्स, या एस एस ए, एस एस बी जो इधर से आ गया, और एस एस टी। देखो ना मेरा शक इसलिए मुझे लग रहा है कि इसमें भी कोई एवरेजिंग नहीं है, देखो ना ये एम से मल्टीप्लाई कर रहा है, ये वन ओवर एम सिर्फ अनयूजुअल है, बाकी कहीं पे भी डिविजन नहीं है। सो देन वंस यू हैव दीज थ्री सम्स एस एस ए, एस एस बी एंड एस एस टी, देन यू सम सब्ट्रैक्ट दीज टू फ्रॉम एस एस टी एंड यू कॉल इट एस एस ए बी, and then you can compute F statistics, even before that you have two more actually sums and they are mean, so mean square sum, mean square, M is for the mean, और ये आप divide कर सकते हैं, now this is की मुझे समझ आ रही है, it's fine, and then you take the ratio of these two and that is your F score, तो ये lengthy calculation है, लेकिन end पे आपको F score मिल जाता है, ये F score नहीं कहते, इसको Q है, F value कहते हैं, ठीक है F value, वो score का word शायद वो उसके लिए chi square के लिए था, and once you do that उसके बाद वही calculation p value calculation, alpha की value आपने 0.05 किया हुआ है, जो change कर लें लेकिन सबके लिए change करना पड़ेगा, और इसको you have to use this for, ये नहीं देखता किसने कोई example, omnibus test, omnibus test तो है लेकिन I want to see कि F डिस्ट्रीब्यूशन को हम चेक कैसे करेंगे, इसमें कोई एग्जांपल आगे दिया हुआ है मेरे ख्याल में, आई वांट टू हैव एन एग्जांपल के एक मिनट कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, हाँ सो आफ्टर कंप्यूटिंग द एफ वैल्यू वी कैन देन लुक अप द पी वैल्यू फ्रॉम एफ एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द करस्पॉन्डिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम्स और ऑब्टेन इट कंप्यूटेशनली फ्रॉम ए टेबल and then we can reject the null hypothesis. मैं अगर F distribution देख रहा हूँ कि आगे F ना F distribution यहाँ से शुरू हो रहा है ना, लेकिन उसमें उसी तरह का curve है alpha और उसकी भी critical value है and this V2 is the degrees of freedom यहाँ पे, basically there are two degrees of freedom V2 and V1. So instead of alpha, remember that alpha is not listed here in the table. V1 is the top row, V2 is the left column, ठीक है? और ये table इसने दिया है 0.05 के लिए, समझ आ रही है आपको? Yes sir. वहाँ पे तो 0.05 के अलावा और भी values थी ना? ये F distribution इसने सिर्फ 0.05 के लिए दिया, इसमें देखिए बाकी table यहाँ पे। V2 क्या चीज़ है? हाँ? V2 क्या चीज है? ये दो इसमें इसमें F distribution is more complicated. It has two degrees of freedom. Don't ask me why. लेकिन इसको इसके लिए F distribution को समझना पड़ेगा कि it has two variables and they are both degrees of freedom. So same degree of freedom होगी? नहीं ये M minus one या कोई और नहीं? नहीं ये मेरे ख्याल में अभी तक कोई चीज मुझे मिल नहीं रही ना। देखो ना इसमें m माइनस वन भी है और n माइनस वन भी है। अच्छा n माइनस वन। हाँ मुझे शक ये है कि n में से एक n माइनस वन होगा और एक m माइनस वन होगा, दो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना ये। इसमें एग्जांपल्स भी हैं और मॉडल्स भी हैं। इसमें कहीं पे लिखा होगा। हाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ये मैंने मिस कर दिया था ना, ये हमने स्टार्ट में मिस कर दिया बेसिकली, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है।
हम यहाँ पे बेसिकली रुक गए थे. सो अंडर द अजम्पशन दैट योर नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, दैट एफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स व्हिच यू कैलकुलेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन विद एम माइनस वन एंड एम माइनस वन टाइम्स एन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. ये जहन में रखिए, वी टू ये है, एन नहीं है, एम माइनस वन टाइम्स एन इनटू है. हाँ, तो उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो v2 मिलेगा और m माइनस वन इज v1. तो मतलब अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आप अज्यूम करें तो आप कर सकते हैं और p वैल्यू. और फिर और इसने क्या बताया हुआ है, एक मिनट, ये भी समझना जरूरी है कि दिस डायरेक्टली गिव्स यू, वहां पे उसने p वैल्यू की बात की है, यहां पे एक क्रिटिकल वैल्यू है, डायरेक्ट क्रिटिकल वैल्यू. तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका f स्कोर या f सॉरी f वैल्यू इस क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा आ गई तो इसका क्या मतलब होगा फिर, कि इसको आप नल हाइपोथेसिस को इसका मतलब है रिजेक्ट रिजेक्ट कर सकते, क्योंकि वो उससे t अल्फा से आगे होगा ना, वो रिजेक्शन का क्राइटेरिया चेंज नहीं हो रहा, अनलाइकली लाइकली ये है. Comparing algorithms, ये उसके बाद अच्छा. अब ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट टॉपिक, ये अभी ये दो खत्म हो गए आपके पास, ओमनी ओमनी बस जो मेथड्स है ना जिसमें आप सिर्फ नल हाइपोथेसिस चेक करते हैं, क्यू टेस्ट हमने पढ़ लिया और हमने एफ टेस्ट पढ़ लिया. एफ टेस्ट इज दोनों, क्यू टेस्ट इज विट अप्रोक्सीमेट, और एफ टेस्ट को बहुत ज्यादा भी यूज कर रहे हैं. सो आफ्टर यू यूज वन ऑफ दीज टू टेस्ट एंड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस ओनली देन यू कैन कम टू दीज पेयर वाइज टेस्ट. अब पेयर वाइज टेस्ट में बहुत ज्यादा टेस्ट आपको नजर आ रहे हैं, लिटरेचर भरा पड़ा हुआ है, लेकिन सारे रिकमेंडेड नहीं है इसके मुताबिक. वो कहते हैं कि समथिंग इज वेरी पॉपुलर डज नॉट मेक इट करेक्ट. सो देर आर सम मेथड्स विच आर वाइडली यूज एंड दे आर स्टिल रॉन्ग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग. उसकी वजह यह है कि स्टैटिस्टिशियंस हैव यूज्ड सम मेथड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे वर यूज्ड अंडर द अजम्पशन दैट देयर वाज रिच डेटा एंड दैट द डेटा हैड नो नॉइज. आजकल चूंकि वो सारी अजम्पशंस वायलेट हो रही हैं, सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन दोस ट्रेडिशनल मेथड्स एनीमोर. सो देयर इज ये एक बेसिकली एक पेपर ने समरी की है कि मैकनेमर्स टेस्ट को अगर आप पे, अभी हम पेयर वाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं ना, जो बहुत ज्यादा टेस्ट हम करेंगे पेयर वाइज. मैकनेमर्स टेस्ट का लो फॉल्स पॉजिटिव रेट है इसका, ठीक है ना, सो विच इज गुड. बेसिकली फॉल्स पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ये टाइप वन एरर क्या हमने गलत ठीक को गलत कर दिया. हाँ, तो इस कॉन्टेक्स्ट में फॉल्स पॉजिटिव ये होगा कि वो नल हाइपोथेसिस बेसिकली वो था रिजेक्ट करना था और इसने रिजेक्ट नहीं किया. नहीं सॉरी, पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे रिजेक्ट होगा. पॉजिटिव नल हाइपोथेसिस ट्रू, रिजेक्ट करना था लेकिन एक्सेप्ट कर ली. हाँ, क्योंकि पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस का ठीक होना है. जब नल हाइपोथेसिस ठीक होता है उसको रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है. तो इसका मतलब यह है कि रिजेक्ट रिजेक्ट इसने करना था और ये नहीं कर सका, इसको फॉल्स पॉजिटिव करेंगे क्योंकि उसने इसको पॉजिटिव समझ लिया ना. आई होप कि दैट इज करेक्ट, क्योंकि आगे कहीं पे एक्सप्लेन हुआ हुआ ये. और द अदर एग्जांपल, द एडवांटेज ऑफ मैकनेमर टेस्ट इज फास्ट कंप्यूटेशनली and you need to execute it only once. और जो आपका ये दूसरा टेस्ट है difference in proportions test, वो difference in proportion test मेरे ख्याल में ये इसको कह रहा है, ये जो 5/2 fold cross validation को ये कह रहा है, ठीक है. ये आगे आगे explain हो रहा है कि what do you mean by that. That has a high false positive rate. Explain कर रहे कि high false positive rate मतलब ये है कि incorrectly detected a difference when there is none. वही बात हो गई ना, difference कोई नहीं था,
नहीं तो सर मैं जो कह रहा था इसके बिल्कुल अपोजिट है ना, इनकरेक्टली डिटेक्टेड अ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब ये है कि इसने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया ना, यस, और ये नहीं करना था, ठीक है, यस। और तीसरा क्या है, रीसैंपल्ड पेयर टेस्ट। रीसैंपल्ड ये हमने बेसिकली दो मेथड हमने पिछले नोट्स में पढ़े थे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और रीसैंपलिंग। रीसैंपलिंग में आपको याद है वो बूट बैगिंग और वो उस तरह की चीजें थी, यस। तो इसका भी हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट है, तो इसका मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए ना, हाई फॉल्स पॉजिटिव रेट, कंप्यूटेशनली वेरी एक्सपेंसिव, ये दोनों बातें गलत होगी। और अच्छा सॉरी सॉरी, ये जो टू है ना, ये वो नहीं है जो मैं ऊपर समझ रहा था, ये जो मैं सजेस्ट मेरा शक था कि 5/2 है, ये नहीं है, ठीक है। ये डिफरेंस इन प्रोपोर्शन टेस्ट मेरे ख्याल में हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो जो इस चैप्टर के स्टार्ट में था कि आप ऐसा हमने किया 1 - ACC2 और उसको जो फिर उसका वो कहते हैं बिल्कुल स्टार्ट में। लाइबा आपने शायद कुछ चीज गलती से क्लिक कर दी ना, गलती से हो गया था। ये वो दूसरे लेक्चर में मोहम्मद अक्सर, ये उससे हर लेक्चर में उसने कोई ना कोई एक दफा करना होता है। सो मतलब ये एक कंपैरिजन है, हाँ ये आखिरी टेस्ट है जो मैं समझ रहा था। अच्छा, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम, समवट एलेटेड फास्ट फॉल्स पॉजिटिव रेट। एलेटेड का मतलब ये है कि ये समझता है कि ठीक है लेकिन गलत है, तो ये भी मतलब हाई है, इसका भी इशू है। एलेटेड जब आप बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं ना और आप कहते हैं ये ठीक है लेकिन वो होता गलत ही है। एंड रिक्वायर्स रीफिटिंग टू ट्रेनिंग सेट्स, मोर एक्सपेंसिव। ये एक प्रेफर्ड टेस्ट है, 5/2 और CV पेयर टेस्ट, टी टेस्ट। CV इज मे बी कोवेरियंस, इट लुक्स लाइक कोवेरियंस, इट्स अ कोवेरियंस टेस्ट। Similar to McNamara's test, it is also low false positive, and it is more powerful than McNamara's test. Recommended if computational cost is not a problem. ये बस आप ज़हन में रखें कि ये बाकी चार चीज़ें मेरे ख्याल में सिर्फ completion के लिए दी हैं। जो pairwise tests हैं ना, वो original hypothesis H0 को reject करने के बाद, when you reject H0, उसके बाद जो pairwise बहुत ज़्यादा tests आप करेंगे, लेट्स आपके पास 10 मॉडल्स है और 10 मॉडल में हर पेयर को चेक करेंगे, उसके लिए बस सिर्फ दो मेथड्स को आपने ध्यान में रखना है, मैकनेमस टेस्ट और दिस 5/2 CV टेस्ट। एंड दिस 5/2 CV टेस्ट इज, इफ कंप्यूटेशन कॉस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम देन इट शुड बी प्रेफर्ड ओवर मैकनेमस टेस्ट। ये इसने लिखा भी है ना, मैकनेमस टेस्ट इज अ गुड चॉइस इफ द डेटा सेट्स आर लार्ज एंड model fitting can only be conducted once. If the repeated fitting of the model is possible, which means computational data cost is not a problem, then 5/2 CV test is a good choice. Because no resampling wali cheez bhi aa jati hai. Acha, ye isne resample test ko explain kiya aur end pe kehta hai ki ye suitable nahi hai. So I don't see any point of understanding something which is bound to fail. इसको आप स्किप कर सकते हैं। और के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन को भी इसने दिया हुआ है, इसको भी इसने बाद में, ये अगर आप देख ले इसने इस समरी में भी इनको रूल आउट किया हुआ है, तो ये यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन, पता नहीं एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही, मे बी यू कैन स्टिल लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। सो बेसिकली दिस इज ए प्रोसीजर विच इज रिकमेंडेड, द 5/2 CV कंबाइंड एफ टेस्ट। नहीं सॉरी, वो बाद में आते हैं, पहले ये है, पहले ये सी 5/2 फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन टेस्ट है, ये ओरिजिनल है, डीट्रिश पता नहीं कौन था, ये ओरिजिनल है, और इसका और इसके बाद इसका वो मॉडिफाइड वर्जन है जो कि ज्यादा रिकमेंडेड है। सो इसको समझना मेरे ख्याल में जरूरी है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट्स अ पेयरिंग, प्रोबेबली कोवेरियंस बेस्ड, and it is a t test, so you should give, it should be related to a t student t distribution. Or
मेरे ख्याल में अब मुझे समझ आया कि इसने रिसैम्पल्ड और कैफोल्ड को क्यों एक्सप्लेन किया है, उन दोनों की जो इश्यूज है ना इनको एड्रेस कर रहा है बेसिकली, ठीक है, प्रीवियस टू सेक्शंस के जो इश्यूज थे, यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दोज इश्यूज, इट इज एड्रेसिंग दोज इश्यूज. अब ये क्या करता है, मेरा असल डिस्कशन यहां से शुरू होती है. असल गेम ये है कि वी रिपीट द स्प्लिटिंग 5 times. So you split the data into 2 portions, 50%, 50%, ठीक है, every time is 50-50, and you repeat this splitting 5 times. कैसे? And remember, ये सिर्फ pairwise बात हो रही है, तो हम at a time दो models को लेंगे, उनका pair बनाएंगे, और उनके लिए क्या करेंगे वो? We will split the data into training and test data 50-50, and then we will repeat that splitting. And it has to be done 5 times. इसलिए इसको 5/2 कहते हैं. अब आपको समझ आ रही है कि 5/2 इसको क्यों कहते हैं? 2 explains that it is always split into 2 parts, 50-50. That 2 is for that. And this 5 is for 5 times. That you repeat that splitting 5 times. So which means yes. that you will have 2 classifiers. Let's call them C1, C2. You have 5 iterations. And each time, in each iteration, you will have a training split, evaluate the performance of the test split, training split ko use karenge model fitting ke liye, fit using training split, aur performance ko aap calculate karenge test split, and then rotate, ye asal cheez hai, wo 5 times kya karenge, then rotate the training and test it. To wo aap unko, jo training tha wo kya karenge, wo test ban jayega, aur jo test hai wo training ban jayega. And you will have differences of 2 types. Let's say C1 की accuracy ये है और C2 की accuracy ये है, ये first version में जब आपने उसको shuffle नहीं किया था, मतलब आपने एक को test training कहा, दूसरे को test कहा, और उसका जो test था उसका आपने difference कर दिया, this will be your first accuracy. Second में आप क्या करेंगे, उनको आप वो करेंगे, स्विच करेंगे, योर ट्रेनिंग विल बिकम टेस्ट एंड द टेस्ट विल बिकम ट्रेनिंग एंड यू विल कंपेयर द डिफरेंस अगेन. ये सिर्फ ए और बी उसको सिग्निफाई कर रहा है कि ए इज बिफोर यू शिफ्ट स्वैप्ड एंड बी इज आफ्टर यू स्वैप्ड. सो यू गेट 2 accuracies एंड देन यू टेक द एवरेज ऑफ दोस 2 accuracies, द एवरेज ऑफ दोस 2 accuracies. और जो सैंपल इसका वेरिएंस है, इसका जो वेरिएंस है ये इनके उसका यू सब्ट्रैक्ट दिस एवरेज फ्रॉम द फर्स्ट वन, टेक द स्क्वायर एंड द सेम एवरेज फॉर द सेकंड वन, सो इट कैन बी सीन एज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशंस. दैट्स व्हाट यू मीन बाय सैंपल्स, सैंपल वेरिएंस. And you use that for your t-statistics. And you do this 5 times, okay? In each of the 5 iteration, you have to repeat this process. For example, this process has a training set and a test set, and then you shuffle it. In the next stage, this becomes the test, this becomes the test. And that's why you have 2, and this has to be repeated 5 times. You have to do that 5 times. And you, when you go from one iteration to the next, you have to change the let me think what you have to change. You have to resample basically. You have to resample and do that splitting again. And once you do those 5 iterations, because you will have those scores, ये जो पहले आ रहे हैं आपके पास, ये जो scores हैं, ये AAC और ACC, AACC, BACC average is squared. All these things have to be calculated for each of those 5 iterations, and then compute this score. अब इस score को समझना जरूरी है. जो numerator है, this will always be the score for the first iteration.
दिस वन मीन्स द फर्स्ट इटरेशन, बाकी चार को आपने इग्नोर करना है. डिनोमिनेटर में आपने एवरेज लेना है वो जो एस स्क्वायर्ड है सैंपल वेरियंस फॉर ईच ऑफ द फाइव इटरेशन. सो एस वन डेट क्वांटिटी एस वन स्क्वायर्ड जो पिछले स्लाइड पे थी ये वाली. सो दिस एस वन स्क्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ट्रायल एस टू फॉर द सेकंड सॉरी फर्स्ट इटरेशन सेकंड इटरेशन यू डू दिस फाइव टाइम्स देन यू एड दिस एंड टेक द एवरेज. सो इट इज द एवरेज सैंपल वेरियंस. सो व्हेन यू टेक द एवरेज ऑफ फॉर मेरे ख्याल में इनको एस आई स्क्वायर्ड को सैंपल वेरियंस कहना इसलिए गलत है कि वेरियंस का फिर आप इट इज अ वेरियंस सॉरी इट इज अ वेरियंस तभी तो इसका एवरेज वेरियंस दे रहा है आपको. सो इफ दिस इज वेरियंस एंड यू आर एडिंग ऑल दिस वेरियंसेस एंड देन यू टेक डिवाइड बाय फाइव सो दिस विल गिव यू द ओवरऑल एवरेज वेरियंस. या सो इट्स ओके to call it variance. When you have this t score or t value, this t value will be distributed under the null hypothesis being true or t distribution में आपके पास आपको पता होगा कि उसके अपने parameters होंगे, degrees of freedom इसके क्या होंगे. यहाँ पे माइनस वन नहीं फाइव हो. अच्छा अब आपने आपको याद है कि इसमें ये माइनस वन क्यों नहीं है. बाकियों में हमने माइनस वन किया हुआ था ना, तो ये फाइव माइनस वन क्यों नहीं करना पड़ रहा हमें. यू रिमेम्बर दिस वाज ए प्रॉब्लम वी डिस्कस्ड इन दैट स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कि स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट एस्यूम दैट यू नो द सैंपल मीन दैट यू नो द पॉपुलेशन मीन और वो उसको करेक्ट कर लेता है खुद ही. स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन उस चीज का ख्याल रखता है तो उसमें सारे आएंगे इधर. यस या वी हैड टू वर्जन्स रिमेंबर वन वाज द गॉसियन वर्जन एंड वन वाज द स्टूडेंट टी वर्जन. एंड वंस यू हैव द स्कोर सो टी डिस्ट्रीब्यूशन उसको टी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हमने एक दफा यूज भी की हुई है ना. वी हैव समहाउ यूज्ड इट. यस बट वी हैव यूज्ड इट समहाउ critical value. Ah, yeah. Again, you don't need to calculate p values. You can have directly critical values for a particular value of alpha and degrees of freedom v. And there are some improvements in this 5/2 CVF test, and it's called the Alpedin's combined F test. This what does it do? I think this changes that calculation to this calculation. Yeah. So it adds over those two shuffles, and then it adds over iterations. Or chunki do dafa hai to ye this sum of squares is also multiplied by two. And this is approximately f distributed with 10 and 5 degrees. So instead of t distribution, you calculate a new score which is f distributed, and then you choose, then you actually reject that null hypothesis or accept based on that. Aage kya hai? इफेक्ट साइज. हाँ ये मेरे हाल में ये कह रहा है कि अगर आपके पास डेटा सेट का साइज जो है ना कम या ज्यादा है तो इट कैन चेंज द सिग्निफिकेंस. बेसिकली डिटेल में जाने के अलावा मेरे ख्याल में अगर मैं इसका आपको बता दूं कि जो पी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं ना इन सारे एग्जाम्पल्स में, इसमें एक गड़बड़ा सकती है कि इफ यू हैव लार्ज डेटा व्हिच मींस दैट इफ यू हैव मोर एंड मोर डेटा पॉइंट्स दैट कैन गिव यू ए वैल्यू ऑफ पी व्हिच कैन बी मिसलीडिंग. ठीक है ना. द डेटा साइज कैन इफेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ पी एंड इफ द वैल्यू ऑफ पी डिपेंड्स ऑन द डेटा साइज दैट इज नॉट अ गुड थिंग.
because you would not like to have your conclusions dependent on data. So isliye isko kehte hain effect size. And that is something. So what you calculate, p value, remember, represents significance. Ke how significant your null hypothesis is. Tabhi to aap usko reject kiya, accept karte hain. So theoretical significance और प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस में यही फर्क है कि मे बी यू गेट ए हाई सिग्निफिकेंस जस्ट बिकॉज यू हैव मोर डेटा दैट डजंट मीन दैट इट इज प्रैक्टिकली हाई सिग्निफिकेंस. यस एंड आई थिंक ही एट द एंड रिकमेंड्स दिस मेथड टू बी द बेस्ट मेथड ऑफ ऑल दीज मेथड्स. It's called nested cross-validation. And this has something to do with the shortcomings of the previous methods. Ab bata hai, K-fold mein bhi ek issue tha. Aur wo repeat resampling mein. Un sab mein issue ye tha ki you are using actually the same test data. Aur usko aakhir mein aap dobara use karte hain performance ke liye. So you can never be sure whether you get that optimistic bias, and if you try to overcome that, वो आपको पता है वो issue था कि अगर आप पूरे training data को use करते हैं, so optimistic bias बढ़ जाता है, पूरे को नहीं करेंगे, pessimistic bias बन जाता है, उनकी जितने भी methods थे कहते हैं कि none of those methods are actually foolproof. So nested cross validation is a very new method. Which fills all those gaps. These are actually the two guys who are at the forefront of this nested. इसका हमें सिर्फ ये मेरे ख्याल में ये जो इल्मी बहस है इसमें नहीं जाते हम. We need to get the punchline के ये nested का basic concept क्या है and how is it different from K-fold and three-way and all those different methods. So to understand this, आपको याद है मैं जिस तरह control में मैं आपको example दे रहा हूँ कि there is an inner loop and there is an outer loop. Yeah. मेरे ख्याल में K-fold validation में भी एक inner loop था और एक outer loop था ना. कि validation आप करते थे end पे, लेकिन end पे outer loop नहीं था, वो एक ही दफा आप करते थे. इसमें outer loop होगा. So अभी अगर आप देखें, लेट स्टार्ट विद द ओरिजिनल सेट एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि एट व्हाट पॉइंट इट डिफर्स. ओरिजिनल सेट को आपने क्या किया, स्प्लिट किया ट्रेनिंग फोल्ड में और टेस्ट फोल्ड में विद सम रेशियो 2/3, 1/3, वो बात की बातें. एंड व्हाट यू डू इज दैट जिस तरह के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन था ना, उसी तरह ये जो टेस्ट फोल्ड है, एंड यू डू नॉट कॉल इट वैलिडेशन सेट, उसमें तो आप इसको वैलिडेशन सेट कहते थे ना. यहाँ पे अब इसको टेस्ट फोल्ड कहते हैं. एंड दैट टेस्ट फोल्ड एक्चुअली शिफ्ट्स, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड देन इन द नेक्स्ट इटरेशन इट गोज देयर एंड देयर एंड देयर एंड देयर एंड सो ऑन. सो दिस इज योर आउटर लूप. नाउ व्हाट यू डू इन ईच वन ऑफ दिस इटरेशंस, सो लेट्स से टेक दिस फॉर एग्जांपल, यू टेक दिस ट्रेनिंग फोल्ड बिकॉज द ब्लू वन विल बी टेस्ट फोल्ड. So what you do with that training fold? You use that to fold shuffling. ये वही 50% है कि उसको आप 50-50 कर देते हैं, ठीक? Something very similar to what we did there before. इससे पहले क्या था ये क्या इसको हम कहते थे 5/2 में यही था 5/2. हाँ, ठीक है. तो ये बेसिकली वही 5 है और ये बाई 2 है, लेकिन इसमें ये फर्क ये है कि ये नेस्टेड है. दिस टू फोल्ड इज नेस्टेड इनसाइड दैट. सो दिस हैज टू बी डन हियर 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 और हर एक में अब टेस्ट फोल्ड को चेंज करते हैं. वहां पे शायद आप ये चेंज नहीं कर रहे थे. आपको फर्क समझ आ गया?
ये जो बस इनर लूप में आप 5/2 कहते हैं और आउटर लूप में आप क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एंड व्हेन यू गो फ्रॉम वन टू द अदर इन दैट आउटर लूप यू चेंज द टेस्ट फोल्ड। ये चेंज बहुत जरूरी है इसमें। यस सर। और ये इसमें अलग से बताया हुआ है कि ये जो इससे पहले हमने 5/2 फोल्ड मेथड देखा है उसके इक्वल नहीं है, ये सेम नहीं है, क्योंकि उसमें कोई नेस्टिंग नहीं होती, उसमें सिर्फ रिपीटेशन होता है। और कहते हैं मेनी देयर आर मेनी पीपल हु कंफ्यूज दीज टू। ये इसने बाद इसके बाद एक्सप्लेन नहीं किया कि ये कन्फ्यूजन लोगों में क्यों आती है। लेट्स गो बैक एंड सी के ये कंफ्यूजन आपके ख्याल में लोग क्यों करते हैं। ये था नहीं, ये तो 50-50 इधर भी है, ठीक है, रिपीट स्प्लिटिंग हो गया, इन ईच इटरेशन वी फिट टू क्लासिफाई टू द ट्रेनिंग स्प्लिट एंड इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस ऑन द टेस्ट स्प्लिट, देन वी रोटेट द टेस्ट training and test set, rotate karte hain, training sets become the test set and vice versa, and compute the performance again which results in the two performance. Acha ha, ye jo calculation, isme farak yahi hai, ye jo calculation aap karte hain na, ye wali ki fir aap inka average karte hain, wahan pe is tarah kuch nahi hai. क्या आप क्या बता रहे थे, क्या फर्क है इसमें? सर यही फर्क है कि वहां पे हम एक क्लोज वैलिडेशन के तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पे हम बस रीसैंपलिंग के तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आउटर लूप सबसे बड़ा। ठीक है, लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड एनी अदर पेपर और एनी अदर बुक की, मैं दूसरी बुक से मैं कभी पढ़ता हूँ ना तो इसको क्लियर हो जाएगा। An almost unbiased estimate of the true error का इन्होंने claim किया हुआ है कि nested है। He rates this very high at the end। इसने end पे recommendations दी है ना अपनी, based on his research, personal recommendations। इसने ये एक table पूरा दिया हुआ है इसको, इंशाल्लाह अगली दफा discuss करेंगे कि आपने क्या क्या करना है, large data set में क्या करना है, small में क्या करना है, estimation performance end पे जो करनी है model selection के बाद, मॉडल सिलेक्शन में हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करते वक्त क्या क्या मेथड यूज कर रहे हैं, हर मेथड के इसने प्रोज एंड कॉन्स बताए हुए हैं। ठीक है, आपको पता है ये 3 स्टेजेस है बेसिकली, ये एक स्टेज है, yes, ये दूसरा स्टेज है और तीसरा स्टेज है एंड पे। तो इन सब को इंशाल्लाह अगर हम ये इसको इसके ऊपर एक हम भी एक फाइनल से कर सकेंगे, एंड आई थिंक लेट्स होप कि आई फाइंड सम बेटर मटेरियल, क्योंकि मुझे अभी भी मजा नहीं आ रहा है जिसने आखिर में फर्क बताया है ना दो का, वो थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। सो ठीक है, फिर कोई क्वेश्चन अगर है आप लोगों का तो पूछ सकते हैं। सर मेरा तो कोई, बाकी कोई आवाज नहीं आ रही है, खैरियत है, पिछले दो लेक्चर से मैं नोट कर रहा हूँ, लाइबा फिर भी कुछ ना कुछ बोल लेती है, ये बाकी शहजादे हैं वो तो बिल्कुल खामोश होते हैं। अटेंडेंस तैयब सना लाइबा, अच्छा बाकी है नहीं इसलिए नहीं बोल रहा। ठीक है सर, देयर आर नो फर्दर क्वेश्चंस, देन वी कैन कंटिन्यू ऑन ट्यूसडे, और कीप रीडिंग द स्टफ, this one and anything I add. See you inshallah on Tuesday. हाँ वो एक चीज मैं बताना भूल गया, स्लेट पे एक अनाउंसमेंट आएगी या आ चुकी होगी, नहीं भी है तो मैं रिमाइंड कराऊंगा। PEC wants every engineering student to fill a survey regarding online teaching, और वो पूरी यूनिवर्सिटी सारी यूनिवर्सिटीज को उन्होंने रिक्वेस्ट की है
वो आप अनाउंसमेंट जो है ना उसमें एक लिंक होगा स्लेट में, उसको आप फॉलो करके उसमें आप पार्टिसिपेट करें, ठीक है? इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।